if autonomous expenditure by the government increases by rupees 5,000, find increase in equilibrium GDP, find increase in equilibrium GDP if half of the income is always spent on consumption. If half of the income is always spent on consumption. ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोबारा से वन बाय वन. वो कहते हैं इफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इंक्रीजेस बाय रुपीज 5,000, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. ये जो 5,000 उसने कहा है ये क्या गिवन है? एनीवन? भवनीत, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. मैम एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. ओके, एनीवन एल्स? प्रभनूर, मैम एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर, ओके. आकृति, ऑल राइट. यस राणा, यू आर राइट. बेटे भवनीत, आपने कहा एक्सपेंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम. उसने कहीं कंजम्पशन का नाम ही नहीं लिया, उसने कहा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट. आपने उसको रिलेट कर लिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से. ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है. लेकिन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. हमने किया था केन्जियन एनालिसिस में, जब हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं हम यही कहते हैं ना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. इसमें जो आई है वो ऑटोनॉमस है, जो कि हर लेवल ऑफ इनकम पर सेम रहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कर रही है तो इसीलिए ये प्रॉफिट मोटिवेटेड या इनकम मोटिवेटेड नहीं है. तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा आई. उसने कहा अगर गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 5,000 से बढ़ता है, यानी उसने बताया अगर गवर्नमेंट 5,000 की इन्वेस्टमेंट करती है. ठीक है, क्लियर हो गया क्या गिवन है आपको? अगर आप इसको सी बार कंसिडर करते तो आपका सम ही नहीं सॉल्व होना था या गलत हो जाना था. ठीक है, अब ये गिवन है आपको डेल्टा आई. तो कहता है इफ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इंक्रीजेस बाय 5,000, फाइंड द इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी, यानी इंक्रीज इन इनकम. जीडीपी का मतलब इनकम. वो कहता है फाइंड इंक्रीज इन जीडीपी, यानी डेल्टा वाई फाइंड करो इफ हाफ ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. आप जब आप अपनी एडिशनल इनकम का आधा हिस्सा कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर देते हो, इसका मतलब आपको क्या गिवन है? एमपीसी कितना गिवन है? 0.5. ठीक है, अब पता चल गया आपको डेल्टा वाई निकालना है. क्या फॉर्मूला? 1/1 माइनस एमपीसी इनटू डेल्टा आई. तो डेल्टा वाई वी नीड टू फाइंड आउट. 1/1 माइनस एमपीसी मींस 1/1 माइनस 0.5 इंटू 5,000. 1/0.5 10/2. ठीक है, या इसको इधर से चलो ऐसे कर लो. ये क्या आया? 1/0.5 10/5 2 आ गया. 5,000 इंटू 2, यानी इनकम कितनी बढ़ेगी? 10,000, 10,000 रुपए बढ़ेगी. ठीक है,
Here the income will increase by rupees 10,000. क्योंकि एमपीसी अब इसको थोड़ा सा आप ना स्मार्टनेस जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना आप माइंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मल्टीप्लायर के. जब आपके एमपीसी की वैल्यू दिमाग में आ गई ना तो के की वैल्यू आ जानी है. एमपीसी का 1/1 माइनस एमपीसी के की वैल्यू है. तो जब एमपीसी 0.5 है तो के कितना 2 times. तो अगर इन्वेस्टमेंट हुई 5,000 तो इनकम कितनी बढ़ेगी 10,000. ठीक है ओके. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी टिपिकल वन. अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे सेकेंड टाइम बिना पढ़े. लिखो विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इनकम ऑफ द इंक्रीजेस इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस more than 3 times. Income of the economy increases more than 3 times increase in investment. Har word likhna hai bete as it is likhna hai. I am repeating with increase in investment in the economy. Income of the economy increases more than 3 times. The increase in investment. Find MPC. Find MPC. तो पहले तो आप खुद ट्राई करें. स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवा दी है. यू ट्राई इट एंड गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके सो अवर स्टेटमेंट इज कि एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट टुक प्लेस. ठीक. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय मोर देन 3 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. हमें नहीं पता कितने की इन्वेस्टमेंट हुई तो हम एज्यूम करते हैं लेट डेल्टा आई इक्वल्स एक्स. एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हुई. एज अ रिजल्ट इनकम बड़ी कितनी बड़ी 3 times. शुड इट बी 3x देन. 3x बड़ी. आप स्टेटमेंट दोबारा से पढ़िए मैंने क्या लिखवाया. इनकम इंक्रीजेस बाय मोर देन 3 times the increase in investment. दो स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखो. एक इनकम इंक्रीजेस बाय 3 times. दूसरी स्टेटमेंट इनकम इंक्रीजेस बाय मोर देन बाय 3 times more than increase in investment. Do these statements imply the same thing? Agar main kahun income increases by 3 times, to delta y would be 3x. Agar main kahun income increases by 3 times more than increase in investment, yani jitni investment hai कितने की इन्वेस्टमेंट की एक्स अमाउंट. इनकम कितनी बड़ी उससे 3 गुना ज्यादा. एक तो उतनी बड़ी उसके अलावा इससे 3 गुना ज्यादा. ठीक है तो हमारी स्टेटमेंट ये नहीं है इनकम डिड नॉट इंक्रीज बाय 3 times. अगर ऐसा होता तो डेल्टा वाई 3x हो जाता. हमारी स्टेटमेंट क्या है इनकम इंक्रीजेस बाय 3 times मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो इसीलिए ये क्या रहेगी 3x प्लस एक्स. 3 times इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मोर देन 3 times. ठीक है उससे उसके अलावा उस 3 गुना ज्यादा बड़ी. तो इसका मतलब डेल्टा वाई क्या हो गया 4x. हमें कैलकुलेट क्या करना है
एमपीसी, एमपीसी के लिए हमें के की वैल्यू पता होना चाहिए, तो के क्या है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, 4x ओवर एक्स, के आ गया 1/4, के आ गया 4। अब एमपीसी चाहिए तो के इक्वल्स 1/1 minus MPC, के क्या है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगी 4 minus 1, ये इधर चला जाएगा, एमपीसी ये 4 minus 1 3, 3/4, एमपीसी की वैल्यू क्या रहेगी 3/4, 0.75। अगर आप इसको 3x से निकाल देते, ये बेटे सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, तो सब स्टूडेंट्स ने इसको 3x ट्रीट किया था, तो उस केस में एमपीसी आएगा 0.6, तो आपको कोई वेटेज नहीं मिलेगी 0.67 की, ठीक है। मोर देन 3 times द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक जितनी इन्वेस्टमेंट है उससे 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर। तो इन द होल सेंटर एट दैट टाइम आई रिमेम्बर आई हैड गॉन फॉर चेकिंग देयर, इन द होल सेंटर जितने भी पेपर आते हैं 10,000-15,000 चेक करने के लिए, उसमें से सिर्फ एक स्टूडेंट का करेक्ट था, ठीक है। तो इसीलिए जब आप क्लास में करेक्ट करते हैं तो इट इज यू नो डेफिनेटली के आप कहीं से पढ़ रहे हैं, एनी हाउ नेवर माइंड दैट। All right. Next question. If consumption of the economy, sorry, if consumption function of an economy is given as C equals 120 plus 0.9y. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1/1 minus MPC। ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एमपीसी की वैल्यू है, ये दिस इज एमपीसी, तो पुट कर देते हैं। टेन टाइम्स, 90% आप अपनी इनकम का हिस्सा खर्च करोगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी रहेगी, 10। ठीक है, ये सारे अब क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं, तो आप करते जाइए। इफ consumption at zero level of income is rupees 40 crore, if consumption at zero level of income is rupees 40 crore and investment multiplier is 4, then determine the relevant consumption function, then determine the relevant consumption function। So, क्या गिवन है आपको, कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम यानी सी बार 40 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के की वैल्यू 4 है, डिटरमाइन द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है बेटे, सी इक्वल्स सी बार प्लस बी वाई, सी बार गिवन है, बी नहीं गिवन, तो क्या गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, के क्या होता है 1/1 minus MPC, तो के गिवन है आपको 4, एमपीसी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 4 minus 4 MPC equals 1, एमपीसी इक्वल्स ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर, ओके माइनस आ जाएगा, 4 minus 1 3, एमपीसी आ गया
3 by 4, that is 0.75. तो C equals C bar की जगह मैंने 40 लिख दिया, plus B Y, 0.75 Y. ठीक है, राइट बेटे, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज प्लान्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय रुपीज 1000 करोड़. इकोनॉमी में प्लान किया हुआ है कि हमने अपनी इनकम जो है वो 1000 करोड़ से बढ़ानी है. How much increase in investment is required to achieve this goal? अब income इतनी बढ़ानी है तो investment तो करनी पड़ेगी. वो कहता है इतनी income बढ़ाने के लिए कितनी investment करें. अगर assuming MPC is equal to 0.6, MPC equals 0.6. तो in this case अगेन डेल्टा वाई इक्वल्स 1/1 माइनस एमपीसी इनटू डेल्टा आई. 1000 की वैल्यू पुट कर दी, 1/1 माइनस दिस 0.4 हो गया डेल्टा आई. इसकी वैल्यू चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4/10 है ये, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डेल्टा आई आ गया. 400 की इन्वेस्टमेंट करोगे अगर आप इकोनॉमी में, तो उस केस में 1000 करोड़ की इनकम बढ़ जाएगी. करें आगे. Given MPS equals 0.25, what will be increase in national income if investment increases by 125 crore? अगर investment 125 crore बढ़ती है तो delta Y income कितनी बढ़ेगी? तो वही फॉर्मूला डेल्टा वाई इक्वल्स, क्योंकि एमपीएस गिवन है तो हम यहाँ पे 1/MPS कर देंगे इनटू डेल्टा आई कर देंगे. तो 1/MPS मींस 0.25, 1/4 फोर टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 250, 500. इनकम विल इंक्रीज बाय 500 rupees. Next. In an economy, the autonomous investment, yani delta I, equal to 60, MPC equal to 0.8, if the equilibrium level of income is 400, then the autonomous consumption expenditure is 30. True or false? Justify your answer. I am repeating the statement. एक economy में इतने की investment की, MPC ये है, और equilibrium level of income 400 crore है,
और इस इकोनॉमी का सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30 रहना चाहिए, क्या ये सही है या गलत? तो ये देखने के लिए वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वी विल फाइंड आउट सी बार, हम सी बार फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सी बार के लिए हमें क्या चाहिए, सी क्या होता है हमारा, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमारा है 400, एट इक्विलिब्रियम वी नो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, सो क्वेश्चन वॉज के एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की गई 60 रुपए की, एमपीसी 0.8 है और ये इकोनॉमी 400 करोड़ पे इन्वेस्ट इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, ठीक है। तो अच्छा डेल्टा आई नहीं, आपको सिर्फ ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर यानी आई गिवन है इस इकोनॉमी, तो इस इकोनॉमी में सी बार की वैल्यू 30 रहेगी, इज इट राइट और नॉट? तो हमें पता है एक इक्विलिब्रियम पे ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, y शुड बी इक्वल टू c प्लस i, तो जो जो हमारे पास है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, y 400 है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 400, c क्या है c बार प्लस बी वाई, सी बार हमें नहीं पता, वही तो हमने बताना है कि 30 है कि नहीं है, तो हमने c बार एज इट इज लिख दिया, प्लस 0.8 इज एमपीसी इनटू y, y 400 है प्लस आई, आई की वैल्यू पुट कर दी, ये हमने सॉल्व कर लिया, 320 प्लस 6380 इधर आके माइनस आ गया, सी बार की वैल्यू आ गई 20 रुपीस। उसने क्या कहा था, सी बार इज 30, तो क्या हम इससे अग्री करते हैं, डू वी अग्री? नो, सी बार वुड बी रुपीस 20 एज इज क्लियर फ्रॉम द अबव कैलकुलेशंस, ठीक है।